हेलो एवरीवन, दिस इज अर्चना एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द इंक्लूसिव जोन चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट 10 का पार्ट सी, जो कि रिलेटेड है आपका प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ इंक्लूसिव क्लासरूम्स। तो इंक्लूसिव क्लासरूम्स की प्लानिंग और मैनेजमेंट हम कैसे करें, ताकि हम नॉर्मल बच्चों के साथ साथ डिसेबल बच्चों को भी इंक्लूड कर पाए। तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो चेंजेस करने ही पड़े, जैसे कि हर वीडियो में हमने बात की है इंफ्रास्ट्रक्चर की, करिकुलम की और स्कूल बिल्डिंग की, कि हमें बच्चे को एडजस्ट नहीं करवाना है, हमें स्कूल को चेंज करना है, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करना है। तो ये सारी बातें हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हमारा मेन फोकस है कि हम क्लासरूम्स के अंदर अपनी टीचिंग स्ट्रेटजीज में, अपनी टीचिंग स्टाइल्स में, करिकुलम में, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या चेंज करें, क्या प्लान करें, जिससे जो इंक्लूसिव बच्चा है वो भी इजिली स्कूल में आ सके, वो कभी भी स्कूल आने से मना ना करे। तो पहला आपका है कि पहला हम डिस्कस कर रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर से ही रिलेटेड। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में ही हमें क्या करना है कि हमें बच्चों को कुछ सपोर्टिव एड्स देने हैं, सपोर्टिव मटेरियल देना है, तो जिससे क्या हो कि वो उन चीजों को, उन एड्स को इस्तेमाल करके इजिली स्कूल आ जा सके। तो पहला क्या है, फॉर फिजिकली हैंडीकैप चिल्ड्रन, कि फिजिकली हैंडीकैप चिल्ड्रन के लिए हमें कौन कौन सी चीजें इस हमारे क्लासरूम में होनी चाहिए, हमारे स्कूल में होनी चाहिए। तो पहला क्या है, एडजस्टेबल फर्नीचर ही। फर्नीचर कैसा होना चाहिए, एडजस्टेबल होना चाहिए। दूसरा क्या है, व्हील चेयर्स। जो बच्चे फिजिकली डिसेबल हैं, उनको चलने फिरने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उनके लिए स्कूल के अंदर क्या होना चाहिए, क्लासरूम्स में क्या होने चाहिए, व्हील चेयर्स होनी चाहिए। फिर आपका क्रचेस का मतलब होता है आपका बैसाखी, तो क्रचेस होनी चाहिए। मैं इसको लिख देती हूँ यहाँ पे हिंदी में, बैसाखी जो होती है वो भी हमें क्या करनी चाहिए, प्रोवाइड करनी चाहिए। फिर है आपका रिमूविंग स्ट्रक्चरल बैरियर्स, तो जितने भी स्ट्रक्चरल बैरियर्स हो सकते हैं जो फिजिकली डिसेबल बच्चे को प्रॉब्लम देते हैं, उन सारे स्ट्रक्चरल बैरियर्स को हमें क्या करना, हमें रिमूव करना है। जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ कि अगर जो कोई बच्चा चल फिर नहीं सकता है, तो सीढ़ियों के साथ साथ आप रैंप भी बनवाइए, तो जिससे क्या होता है वो बच्चा इजिली आ जा सकेगा। देन है आपका, ये तो हुआ फिजिकली डिसेबल बच्चों के लिए, फिजिकली हैंडीकैप बच्चों के लिए। ये सारे हमें क्या करें, सपोर्टिव मटेरियल्स या सपोर्टिव एड्स हमें क्या करने चाहिए, अपने स्कूल्स में, अपने क्लासरूम में हमारे होने चाहिए। देन है आपका कि फॉर ब्लाइंड चिल्ड्रन, कि अगर जो आपकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जो ब्लाइंड है, तो उसके लिए क्या क्या होनी चाहिए क्लासरूम के अंदर एड्स। तो पहला क्या है, ब्रेल स्क्रिप्ट, यानी कि ब्रेल स्क्रिप्ट आप लोगों ने सुना होगा कि जो बच्चे ब्लाइंड होते हैं, जो फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं, उनको हम ब्रेल से पढ़ाते हैं। उनके लिए अलग तरीके की बुक्स होती हैं, उसमें ऐसे छह डॉट्स बनी होती है, वो उभरी उभरी सी होती है ना, तो उससे क्या करता है जो ब्लाइंड बच्चा, उसको टच करके, फील करके वो लेटर्स पता कर लेता है कि ये लेटर ए है या बी है या सी है। तो उन्हें हमें कैसे पढ़ाना चाहिए, ब्रेल से पढ़ाना चाहिए। दूसरा क्या है, मोबिलिटी स्टिक्स क्या होती है, कि ऐसे स्टिक्स जो मतलब इसमें सेंसरी डिवाइस लगी होती है, जिससे जब वो कोई भी बच्चा जो ब्लाइंड है वो क्या करे, जब वो रखता है, मतलब जो स्टिक होगी वो रखेगा, तो उसको पता चल जाएगा कि मेरे आगे कुछ है तो नहीं, कोई बैरियर तो नहीं आ रहा है। तो वो जो स्टिक है, जो मोबिलिटी स्टिक होती है, वो सेंसर्स के थ्रू क्या करती है, हमें डायरेक्शन बताती है या हमें अलर्ट कर देती है कि आगे कोई डेंजर है। देन है आपका कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स टू टीच शेप्स, हमें जो भी ब्लाइंड बच्चे हैं उन्हें हमें कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के थ्रू सिखाना है, क्योंकि वो देख तो सकते नहीं है, तो हम ऐसे सिखाएंगे कि वो टच कर सके, फील कर सके। तो इस तरीके की कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स का हम यूज करेंगे, ऐसे ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे जो 3D डायमेंशंस में हो, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी ट्रायंगल का एग्जांपल दिया था। ऐसे बहुत सारे टीचिंग एड्स का इस्तेमाल करके हम उनको कॉन्क्रीट बना सकते हैं, जिससे जो ब्लाइंड बच्चा है वो भी इजिली सीख पाए। चले आपके पास कि वेट हो गया, थिकनेस हो गई, तो कुछ चीजें दी गई हैं जिससे बच्चा टच टॉक, मतलब टॉकिंग कैलकुलेटर्स होते हैं, ऐसे कैलकुलेटर्स जो बोलते हैं, बोल बोल के बच्चों को क्या करते हैं कि कैलकुलेट करके दे देते हैं, ताकि वो तो सुन तो सकते हैं, बस देख ही तो नहीं सकते, तो टॉकिंग कैलकुलेटर्स होने चाहिए। टॉकिंग बुक्स, आजकल टॉकिंग बुक्स भी आ गई है, कि ऐसी बहुत सी बुक्स हैं जो आप प्ले कर दीजिए, वो चैप्टर बाय चैप्टर क्या होती है, प्ले होती रहती है, इससे डिसेबल बच्चा क्या करता है, सुन के सीख लेता है। देन ऐसा ऑडियो बुक्स भी आ गई है, तो टॉकिंग बुक्स में क्या है कि टॉकिंग बुक्स में जो ब्लाइंड बच्चा है वो बात करके, बुक से बात करे, इसी तरह तो टॉकिंग बुक्स यानी कि बुक से बात करके वो सीख सकता है। ऑडियो बुक्स आ चुकी है, वो सिर्फ सुन के भी बुक से अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकता है। तो ये कुछ डिवाइसेस हैं, ये कुछ हम ये कह सकते हैं कुछ असिस्टिव टेक्नोलॉजीज हैं जो आ चुकी हैं, जिनका यूज करके हम अपने क्लासरूम को बिल्कुल इंक्लूसिव बना सकते हैं,
ताकि दोनों तरीके के बच्चे आसानी से सीख सकें। देन है आपका फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड। तो जो हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स हैं, तो हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, उनके लिए चॉक बोर्ड। अब ये क्या है कि वो बच्चे सुन तो सकते नहीं है, तो अगर जो हम उनको बोल बोल के पढ़ाएंगे, हम सिर्फ बोल रहे हैं, हम बोर्ड पे कुछ लिख ही नहीं रहे, तो वो क्या करेंगे, वो समझ ही नहीं पाएंगे कि टीचर पढ़ा क्या रहा है। तो उनके लिए हमें बोर्ड पे चौक या बोर्ड का इस्तेमाल करके हमें उन बच्चों को पढ़ाना चाहिए। देन है फ्लैश कार्ड्स। क्या होता है कि उनको दिखा के, मतलब हम छोटे छोटे कार्ड्स बना लेते हैं, उन कार्ड्स को उनको शो करके क्या करते हैं, सिखाते हैं। लिप रीडिंग हो गया। हम ऐसे टीचर्स को ट्रेन किया जाता है कि जब वो बोलते हैं, जो भी चीजें पढ़ा रहे हैं, तो जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है वो लिप रीडिंग करके भी सीख लेता है। तो यहाँ पे टीचर को क्या करना होगा, टीचर यहाँ पे ट्रेन होना चाहिए। तो जैसे चौकी, चौक बोर्ड, फ्लैश कार्ड, लिप रीडिंग, तो ये कुछ चीजें हैं जो कि किसके लिए है, हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए है। देन है आपका फॉर मेंटली रिटार्डेड बच्चों के लिए कौन कौन से डिवाइसेज या असिस्टिव टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स फॉर टीचिंग डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। इनके लिए भी हमें क्या करना है, हमें कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स का यूज करके क्या करना चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए। क्योंकि ये जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं, ये स्लो लर्नर्स होते हैं या माइंड लर्नर्स होते हैं, तो इनको हम कॉन्क्रीट चीजों के थ्रू क्या कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। देन आपका रियल लाइफ सिचुएशंस। जो रियल लाइफ सिचुएशंस का मतलब यहाँ पे ये है कि चीजें जो भी रियल लाइफ से रिलेटेड हैं, उनको उस तरीके से हमें रियल लाइफ सिचुएशंस में लाके हम इन्हें टीच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, कोई भी स्टूडेंट है, उसको हमें शू लेस मेंटली रिटार्डेड है, जब मेंटली रिटार्डेड होगा तो उसको बहुत बार चीजें रिपीट करके बतानी पड़ेंगी। तो उनको अगर जो हमें शू लेस बांधना सिखाना है, तो हम क्या करेंगे, उनको शू लेस बांध के सिखाएंगे, उनको रियल लाइफ सिचुएशन में डालेंगे, तो वो क्या करेंगे, अपने शू बांधना खुद सीखेंगे। तो ऐसे रियल लाइफ सिचुएशंस होती है, उनको शर्ट में बटन लगाना सिखा रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम रियल लाइफ सिचुएशंस को उनको शो करके, दिखा करके उनको सिखा सकते हैं। देन आपका मेकिंग रिपीटेशन, जो कि मैंने अभी बताया कि इसमें क्या है कि हम रिपीटेशन, हमें बार बार जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं, उन्हें रिपीटेड मोड पे आके उन्हें एक ही चीज बार बार बतानी पड़ती है ना, या टीचर को बार बार चीजें बतानी चाहिए, जिससे वो जो मेंटली रिटार्डेड बच्चा है वो इजिली क्या कर पाए, सीख पाए। देन आपका एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। तो मेंटली रिटार्डेड वैसे तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग बेस्ट लर्निंग होती है, हमें नॉर्मल बच्चे और डिसेबल बच्चे दोनों पे ही अप्लाई करनी चाहिए। वही मेंटली रिटार्डेड के लिए भी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग बेस्ट लर्निंग है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया शू लेजिंग का, बटन लगाने का, हेयर कॉम करने का। तो जब ये चीजें क्या करेंगे, वो एक्टिविटी करके खुद सीखेंगे, तो वो बेहतर सीख पाएंगे। तो ये कुछ आपके मैंने प्लानिंग क्लासरूम्स के लिए मैनेजमेंट की टिप्स हैं, जो कि हम ये सारी चीजें इंक्लूड करके अपने क्लासरूम को, अपने स्कूल को इंक्लूसिव बना सकते हैं, ताकि नॉर्मल बच्चे और डिसेबल बच्चे दोनों आसानी से सीख सकें। देन बात आती है आपकी प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में, आपका करिकुलम भी आ जाता है। तो करिकुलम को हमें क्या करना है, हमें रिड्यूस करना है। टीचिंग स्ट्रेटजीज भी आ जाती हैं। तो टीचिंग स्ट्रेटजीज में क्या जाएगा कि अलग अलग टीचिंग मेथड्स का इस्तेमाल करके हमें बच्चों को पढ़ाना है। जैसे कि आपका मैं टीम टीचिंग मॉडल में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो टीम टीचिंग के थ्रू, ब्लेंडेड लर्निंग क्या होती है, आपका जो ऑफलाइन मोड और ऑनलाइन मोड, यानी कि जो ऑफलाइन ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जब कोई टीचर पढ़ाता है, तो वो ब्लेंडेड लर्निंग हो जाती है। तो ब्लेंडेड लर्निंग के थ्रू हमें बच्चे को पढ़ाना चाहिए, टीम टीचिंग के थ्रू पढ़ाना चाहिए। तो ये आपकी टीचिंग स्ट्रेटजीज होगी। बच्चों को हमें एसेस कैसे करना है, उनका मूल्यांकन कैसे करना है, ये भी मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ। तो इस तरीके से हमें अपने क्लासरूम को क्या करना है, मैनेज करना है, अपने स्कूल को इस तरीके से मैनेज करना है, ताकि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो कैसा हो सके, वो इंक्लूजन में आ सके, वो इंक्लूजन की पूरा इंक्लूड, हर एक बच्चा उसमें इंक्लूड हो पाए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इंक्लूसिव क्लासरूम हमें कैसे बनाना है, किस तरीके से हम इंक्लूसिव क्लासरूम बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।